Hello everyone, welcome to Educational KEEDA, Changing the Way of Learning. Friends, आज मैं आपके लिए Shorthand Dictation, Rishi Pranali पुस्तिका अभ्यास 52 का Dictation 50 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूँ. Dictation स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकेंड. रेडी स्टार्ट. कुछ माह पहले जैसी रेल की दुर्घटना बिहटा में हुई, प्रायः वैसा ही या उससे भी अधिक भीषण कांड आज सुबह बमरौली में हुआ. कहा जाता है कि जिस समय लगभग 5 बजे सुबह बमरौली स्टेशन पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर ली गई, उस समय तूफान मेल के लिए सिग्नल ना गिराया गया था. इस समय घना कोहरा होने के कारण मेल के ड्राइवर को कुछ दिखाई ना पड़ा. जैसे ही मालगाड़ी रुकने वाली थी वैसे ही तूफान मेल का आमना सामना होने से दोनों गाड़ियां बुरी तरह से लड़ गई. फलतः उसी समय कई आदमी सदा के लिए सो गए और बहुतेरे इस प्रकार से घायल हो गए कि उनका बिल्कुल अच्छा होना हमेशा के लिए असंभव सा हो गया है. इस समय बमरौली से सर्वप्रथम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट को सूचना कर दी गई है और वे सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचे. इसके बाद लगभग 7 बजे एक रिलीफ ट्रेन पहुंच गई. तत्पश्चात मोटर वालों से खबर मिलने पर शहर में यह समाचार उस प्रकार से फैला जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती है. फिर क्या था, इधर उधर से स्वयंसेवकों के दल जिस किसी प्रकार बन सका उसी प्रकार पीड़ितों की सहायता के लिए पहुँचे. इन सब ने सबसे पहले मुर्दों और घायलों को निकाल कर आवश्यक प्रबंध किया.
जो सख्त घायल थे उनके लिए लारियां बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। इसी प्रकार जो बच गए थे उनके लिए भी यथोचित प्रबंध कर दिया गया। इसी समय हजारों आदमी इस दर्दनाक दृश्य को देखने और यह जानने के लिए पहुँचे कि दुर्घटना किस प्रकार और किस कारण से हुई। इस संबंध में सरकारी तौर से भी जांच शुरू हो गई है, जिनकी जान किसी प्रकार से भी बच सकी थी उनके चेहरों की ओर गौर करके देखने से मालूम होता था कि वे सब अनन्य भक्ति से ईश्वर की धन्य धन्य मना रहे थे। स्टॉप फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।